अन्याय के खिलाफ लड़कर उसे रोकने की बजाय सिर्फ उसके खिलाफ बोलने से आप अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजन सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। खासकर उनका बहुत बहुत स्वागत है जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी अध्यापक हैं। मैं उनके लिए ये मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 आप जाइए एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। इस मूवी का नाम है मैडम गीता रानी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके इस मूवी को देख सकते हैं। जो भी शिक्षा आप इस मूवी से प्राप्त करेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ केवल कहते हैं 10% ही अपने कॉलेज, विद्यालय, स्कूल, अपने बच्चों के लिए अप्लाई कर दीजिए आप। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। और जो इस मूवी का एक एक वर्ड है, शब्द है, आपके जहन में उतर जाना है। अब जब भी क्लास में जाएं, जब भी आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएं, तो जैसे ही पहला कदम आप अपनी क्लास में रखें, तो इस मूवी का जो जो एक एक शब्द, एक एक वर्ड है जो आपको इंस्पायर करता है, वो पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, आपके जहन में उतर जाए, तो सोचिएगा कि मैं टीचर हूँ। तब आपका टीचर बनना सार्थक होगा। आप एक समाज के लिए, एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इस मूवी को आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पिक्चर का नाम है मैडम गीता रानी। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इस मूवी का जो भी आपको अंश, जो भी शब्द आपको बहुत अच्छे लगे हैं, इंस्पायरेशन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी के कुछ अंश को हम लोग देखते हैं। बच्चों मेरी बात सुनो, एम इज आर, वॉज वर, शेल बी विल बी, ये 12 फॉर्म्स हैं, यही इंग्लिश स्पीकिंग का फॉर्मूला है। सर, मैडम, मैं 3 सवाल कर सकती हूँ आपसे? हाँ पूछिए ना मैडम। इज दिस द इजी फॉर्मूला टू स्पीक इंग्लिश? जी हाँ मैडम, यही तो ग्रामर है। व्हाई डोंट यू टॉक इन इंग्लिश? मैं पढ़